सॉयल स्टरलाइजेशन या ग्रोइंग मीडिया स्टरलाइजेशन, तो ये कैसे करेंगे? एक तो सोलराइजेशन, सोलराइजेशन कैसे करते हैं, जब क्रॉप नहीं है तो उसको मल्चिंग सीट से कवर कर देते हैं, और कई बार अगर उसका फोल्डिंग सिस्टम होता है पोलिया उसको, तो ऊपर से ओपन कर देते हैं और हीट जाने देते हैं डायरेक्ट, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। केमिकल के थ्रू जब हम करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेशियो आपका 1:10 मीन्स 1 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड इंटू 10 लीटर वाटर, हमेशा ध्यान रखेंगे 1 लीटर पानी को 10 लीटर पानी में मिक्सअप करेंगे, उसके बाद स्प्रिंकलर से या आपका ये जो रोज कैन है उससे स्प्रे करेंगे, उसपे जो बेड आपका तैयार है प्रिपेयर्ड बेड पर स्प्रे करेंगे, उसके बाद मल्चिंग सीट जो आती है उससे कवर्ड कर देंगे उसको, सीट को, फॉर 8 to 10 days, 8 से 10 दिन के लिए उसको कवर कर देंगे, उसके बाद उसको ओपन करेंगे और फिर 8 to 10 days ओपन छोड़ देंगे उसको, ठीक है। ओपन करने के बाद आप फ्रेश वाटर का वापस से स्प्रे करेंगे, इससे क्या होगा, रेजिडियल इफेक्ट जो है केमिकल्स के वो नहीं बचेंगे और प्लांट्स को हार्म्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये प्रोसेस प्लांटिंग से बिफोर 15 to 20 days करना आपको, ठीक। ये आपका हो गया सोयल स्टरलाइजेशन या ग्रोइंग मीडिया स्टरलाइजेशन, तो हम इसे ध्यान रखेंगे। फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं, 1:10 रेशियो यूज करते हैं, मल्चिंग से कवर्ड करते हैं, बिफोर 15 to 20 days करते हैं, ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर बता देते हैं, ये जो बेड देख रहे हैं आप, ये ऊपर उठे हुए बेड है, ये यहाँ पे बताना था आपको। जब आपका बेड प्रिपरेशन हो जाता है, आपने स्टरलाइजेशन कर लिया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बेसल डोज, जो हमको बेसल डोज देनी है प्लांट बिफोर प्लांटिंग, उसको हम इसमें बेड में देते हैं। यहाँ पे आप फोटोग्राफी में इसमें देख रहे हैं, फर्स्ट ये स्प्रेड कर दिया आपका और कास्टिंग कर दिया मीडिया का, उसके बाद लाइट इरिगेशन आपका इससे कर देते हैं, इससे आपका न्यूट्रिशन है वो मिक्सअप हो जाता है सोइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है प्लांटिंग। प्लांटिंग जो है ये आपने बेड देखा ऊपर, ये बीच में पाथवे है, दो बेड के बीच में, और उसके बाद होल बनाते हैं, जो होल है इसका जो डिस्टेंस है प्लांट टू प्लांट वो 30 by 30 रख सकते हैं या 40 by 25 centimeter रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन स्टेटस इन सोयल और ग्रोइंग मीडिया, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करता है आप किस में लैंड, ये डेंसिटी पॉपुलेशन लेते हैं प्लांट्स की और उसमें होल करते हैं, उसके बाद इसमें 2-row system या 4-row system जो आपका बेड देख रहे हैं उसमें हम ज्यादातर 2-row system यूज करते हैं, यानी कि एक लाइन जो एक बेड है उसमें 2 row साथ में चलते हैं। फर्स्ट प्लांट हाफ पे लगाते हैं, जैसे 30 का 15 पे, सेकंड रो लगाते हैं फर्स्ट प्लांट जो है 30 पे, तो ये जिग जैग चलता है पूरा, तो जिग जैग इसका प्लांटिंग करते हैं। प्लांटिंग जो आपका अक्टूबर टू नवंबर, वैसे हम अगर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन आपके पास कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है यानी कि कंट्रोल्ड पोली हाउस है तो उसमें एनी टाइम प्लांटिंग कर सकते हैं, बट नेचुरल में जो है आपका अक्टूबर नवंबर सबसे बेस्ट टाइम है हमारे रीजन के लिए, नेचुरल वेंटिलेशन के लिए आपका अक्टूबर टू नवंबर प्लांटिंग, और कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है आपके, मतलब कंट्रोल फुल्ली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप एनी टाइम कभी भी आप उसमें प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक आप प्लांटिंग कर सकते हैं, और जो आइडियल प्लांटिंग डेंसिटी आपको 30 by 30 centimeter बताया, यानी कि 6 to 8 plants या 10 plants प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए पर स्क्वायर मीटर, ये ध्यान रखना है, ये बेस्ट ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी है, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर, ये ध्यान रखिए पर स्क्वायर मीटर का है, ठीक है। उसके बाद प्रिक्योशंस, जब भी प्लांट्स लगाएंगे, जैसे आपने होल तैयार कर दिए, जो आपका डिस्टेंस आपने मान लीजिए 30 by 30 लिया है, उसमें आप जो टिश्यू कल्चर्ड प्लांट है वो प्लांट आप लेंगे, या आपने सकर से जो भी जैसे भी प्लांटिंग मटेरियल जो यूज किया प्रोपोगेशन मेथड, उसके प्लांट जो रेडी है, रेडी प्लांट्स को लेंगे, हमेशा ध्यान रखना जो क्राउन है, जो प्लांट का अपर पार्ट पोर्शन है, ग्रोइंग पॉइंट है, उसको 1 to 2 centimeter अबव द सोयल, उसके ऊपर मिट्टी नहीं गिरना चाहिए, सोयल जो है उसको कवर्ड करना नहीं चाहिए, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन होगा और
क्राउन रोट स्टार्ट हो जाएगा, इससे आपका प्लांट डैमेज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्लांटिंग करेंगे तो क्राउन शुड बी 1 to 2 सेंटीमीटर अबो द सोयल, सोयल से 1 से 2 सेंटीमीटर उठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है प्लांट्स में आपको 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ फ्लावर नहीं लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी बर्ड आती है उसको हम रिमूव कर देते हैं 3 to 4 मंथ तक, फर्स्ट आफ्टर प्लांटिंग, और उसके बाद हम उसमें प्लांट ले सकते हैं। तो एक बार प्लांटिंग करने के बाद आप 2 या 3 ईयर तक कंटिन्यूस प्लांट से प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन के लिए आपको अलग अलग, इसमें वेजिटेटिव स्टेज में अलग रिक्वायरमेंट होती है, फ्लावरिंग स्टेज पे अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर यूज करना है तो आप एनपीके, वाटर सोल्यूबल एनपीके जो वेजिटेटिव स्टेज में आपका 0.4 ग्राम पर प्लांट एवरी अल्टरनेट डे, ध्यान रखेंगे एनपीके 19:19 यानी तीनों बराबर इक्वल क्वांटिटी में है, 19% आपका नाइट्रोजन, 90% फॉस्फोरस, 90% पोटास, 0.4 ग्राम पर प्लांट एवरी अल्टरनेट डे, यानी वीक में 3 या 4 बार आपको न्यूट्रिशन देना है वेजिटेटिव स्टेज पर। फ्लावरिंग स्टेज में अगर आप यूज कर रहे हैं तो 15:8 और 35, ये रेशियो होगा, ये आपका रेशियो, यानी कि आपका न्यूट्री ये पोटास की मात्रा इंक्रीज होगी, फॉस्फोरस डिक्रीज होगा और नाइट्रोजन थोड़ा डिक्रीज होगा। ये भी 0.4 ग्राम क्वांटिटी सेम रहेगी पर रेशियो चेंज हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट डे पे देना है। इसके अलावा आप ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा आप है एनपीके कैल्शियम मैग्नीशियम, ये कंपल्सरी न्यूट्रिएंट है उसमें जरबेरा में, तो 3:2:3:1:1 ये याद रखेंगे, इजी रहेगा आपको, 3:2:3:1:1 एनपीके कैल्शियम मैग्नीशियम एट द रेट ऑफ 75 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, आप इसको ध्यान रखेंगे 75 ग्राम पर स्क्वायर मीटर इन द रेशियो 3:2:2:3:1:1, ये वेजिटेटिव स्टेज, एंड फ्लावरिंग स्टेज में आपका 3:2:2:4:1:1, बाकी सेम है, केवल पोटास जो है 1 रेशियो इंक्रीज कर देंगे 1 पार्ट, और क्वांटिटी सेम 75 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। इज इट क्लियर? नाउ इरिगेशन। तो इरिगेशन हमेशा ड्रिप इरिगेशन, प्रोटेक्टेड स्थिति में किसी भी क्रॉप में देंगे आप इरिगेशन है जो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू करेंगे, और जो वाटर रिक्वायरमेंट है इसका ये है 300 to 700 मिलीलीटर पर प्लांट पर डे। क्या है? 300 to 700 मिलीलीटर पर प्लांट पर डे, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट और सीजन। अगर आपका विंटर होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी, समर में ज्यादा होगी, इसलिए ये रेंज है 300 to 700 मिलीलीटर पर प्लांट पर डे। ठीक है, ये 3 रो सिस्टम है जो मैंने बोला आपको, डबल रो या 4 रो सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लांट, एक जो बेड है प्रिपेयर्ड बेड है उसमें 3 रो सिस्टम है, 1, 2, 3 रो सिस्टम, ये 3 रो सिस्टम प्लांटिंग है। ठीक है, वीडिंग हमेशा प्लॉट को, उसमें आपको वीड फ्री रखना हमेशा, वीड को उसके बाद वो सेप्रेस कर देता है प्लांट्स भी। ठीक है, तो हमेशा 35 to 40 डेज आपको वीड फ्री रखना है प्लॉट को। ठीक है, आपका 3 to 4 जो इनिशियल स्टेज में 2 to 3 हैंड वीडिंग एट द 15 to 20 डेज इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर वीड कंट्रोल इन जरबेरा प्लांटिंग। देन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपका यहाँ पे देख रहे हैं येलोइंग ओल्ड लीव पे जो येलोइंग होता है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, या फोटोग्राफ इसलिए रखा कि आपको आइडेंटिफाई हो सके कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है इसमें। तो येलोइंग जो है आपको ओल्ड लीव्स में वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। देन पर्पल फॉस्फोरस और ब्लोचिंग
ये इसमें टिप्स पे जो है कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं आपके जरबेरा को, तो व्हाइट फ्लाई मेनली, लीफ माइनर और कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है लीफ और फ्लावर को दोनों को कट करता है, ठीक है, खा लेता है पूरा, और एक रातों रात में पूरे पोली हाउस को नष्ट कर देता है। ये इसके ज्यादा नंबर्स होंगे, आपने शुरू इनिशियली ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे क्रॉप को नष्ट कर देता है। लीफ माइनर आप लीफ में देखेंगे, ये लीफ माइनर जो है इसका सकिंग पेस्ट है, और ये है व्हाइट फ्लाई, ये मेनली इंसेक्ट है। उसके बाद है माइट्स। माइट्स जो है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है माइट्स और थ्रिप्स का अटैक इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है इसमें क्रॉप में। तो ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर में और लीफ में, इस तरह से फ्लावर आपके सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये एफिड्स, एफिड्स तो आप लोगों ने मस्टर्ड वगैरह में देखा होगा। उसके बाद डिजीज, डिजीज जो है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडर फॉर्मेशन हो जाती है लीफ के ऊपर या फ्लावर के ऊपर भी, पाउडरी मिल्ड्यू। क्राउन रोट जो है, मैंने बोला आपको जब इनिशियल स्टेज में जब प्लांट्स लगाते हैं उस टाइम आपको ध्यान रखना है उस पे, ये फंगस की वजह से होता है। फिर ब्लाइट, ब्लाइट जो है ये एक मेन डिजीज है इसका जरबेरा का। रूट रोट, एंथ्रेक्नोज, ये इंसेक्ट और डिजीज है। तो आपको कंट्रोल करने के लिए पता है क्या क्या की कंट्रोल करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं थ्रिप्स और माइट्स के लिए, क्या यूज करते हैं? सकिंग पेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं आपका एबेमेक्टिन यूज करते हैं, माइट्स के लिए 1 ml पर लीटर वाटर, 1 ml पर लीटर वाटर, और ऐसी कई यूज कर सकते हैं। और आपका इमिडाक्लोरोपीड 1 ml 3 लीटर वाटर में, ठीक है, ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। उसके बाद में आता है स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेज इन जरबेरा, क्या क्या स्पेशल प्रैक्टिसेज हैं इसके लिए। तो सबसे पहले जो आपका डिसबडिंग, जो मैंने बोला आपको इनिशियली 3 to 4 month आपको फ्लावर नहीं लेना है, उसके लिए आप क्या करेंगे डिसबडिंग कर देंगे, जो बड़ आया उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लांट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनिशियल स्टेज में, प्लांट का फ्रेम बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनाने के लिए हम कोई इनिशियली फ्लावर नहीं लेना इसमें। फिर है डीलीफिंग, जैसे जैसे आपका लीफ ओल्ड होती है उसको हम लीफ को क्लियर करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं। ये किस लिए करते हैं? सैनिटेशन, यानी फंगल इन्फेक्शन जो होता है प्लांट में नहीं हो, और बड इनिशिएशन, जितना हमेशा नंबर ऑफ लीव्स कम रहेंगी तो नंबर ऑफ बड्स ज्यादा होंगी उसमें, तो इसलिए इसको डीलीफिंग इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है इसका जरबेरा का। देन रैकिंग, रैकिंग जो है एरेशन के लिए करते हैं, कॉम्पैक्टनेस होती है कंटिन्यूअस फर्टिलाइजर वगैरह यूज करने से, या डेली जो आपका कॉम्पैक्टनेस आती है सोइल में उसके लिए हम रैकिंग करते हैं। तो ये वीडिंग और एरेशन के लिए रैकिंग करना कंपलसरी। देन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो इसमें सबसे पहले ब्रूसीनेस, स्टेम ब्रेक, येलोइंग एंड पर्पल मार्जिन, ठीक है। तो ब्रूसीनेस में क्या होता है, अबनॉर्मलिटी प्लांट जो है उसमें न्यूमेरियस लीफ, आपने ये देखा होगा इसमें मैंगो में, देखा आपने मालफॉर्मेशन, मैंगो का जो पेनिकल है उसमें जो फ्लावर की जगह डिफरेंट लीफ पत्ती निकल आती है छोटी छोटी, इस तरह से छोटी छोटी लीफ आती है और प्लांट छोटा रह जाता है और उसमें फ्लावर नहीं आता, तो वो हो गया ब्रूसीनेस, यानी नाम से ही पता चलता है बूसी टाइप का प्लांट हो जाता है, ठीक है। स्टेम ब्रेक, स्टेम ब्रेक इसमें क्या होता है, ये हार्वेस्ट के बाद होता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद का डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या करता है, जैसे ही आपका ये हार्वेस्टिंग करने के बाद जो स्टेम है वो ब्रेक हो जाता है ऊपर से, जब फ्लावर के नीचे से टूट जाता है फ्लावर, ठीक है। फिर येलोइंग एंड पर्पल मार्जिन, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से आपका येलोइंग होता है, और फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, पर्पल मार्जिन होंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपका है मैच्योरिटी इंडिसेज, आपको हार्वेस्ट कब करना है फ्लावर को, हार्वेस्ट कब करना है। तो आउटर रो, जब ये फ्लावर कलर शो करेगा, ये जो है ये मुड़ने लग जाएगा, उस टाइम आपको इसको हार्वेस्ट करना है, ये यहाँ पे जो दिखाया है इसके बाद आपको इसको हार्वेस्ट करना है, परपेंडिकुलर चला जाएगा स्टेम की तरफ झुकता है, उस टाइम उसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, आपको स्टेम को पकड़ना और खींच लेना है ऊपर की तरफ,
इसमें कोई इसमें टूल्स की जरूरत नहीं है हार्वेस्टिंग करने के लिए। आपको पकड़ेंगे स्टेम को और उसको खींचेंगे तो अपने आप हार्वेस्ट हो जाता हो। ठीक है, तो ये हार्वेस्टिंग हो गया। इंडिसेज आपको ध्यान रखना हमेशा, कैसे हार्वेस्ट करते हैं इसको, तो ये ध्यान रखेंगे। पूछते हैं कब हार्वेस्ट करते हैं इसको, तो आप व्हेन आउटर रो ऑफ पेटल्स इज परपेंडिकुलर टू ऑन स्टार, बस इतना ध्यान रखना, तब इसको हार्वेस्ट करते हैं। और फिर इसका यील्ड, यील्ड जो है आपका एवरेज यील्ड है 200 टू 250 फ्लोर्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ध्यान रखिए 200 टू 250 फ्लावर स्टॉक्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। फर्स्ट ईयर में आपका कम होगा क्योंकि हमको 3 टू 4 मंथ फ्लावर्स नहीं लेना है। और ओपन फील्ड में अगर है, ओपन फील्ड में आपका ये डबल रो वाला नहीं होता है, उसमें सिंगल वाले होते हैं, तो वहां पे 120 टू 150 जो आपका ये बेडिंग पर्पज या डिस्प्ले पर्पज से यूज करते हैं वो फ्लावर है, तो ये 120 150 फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर मिलता है। ठीक है, देन आपका ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, तो इसको कार्बोरेटेड बॉक्स में पैक करते हैं ऐसे पन्नी लगा के। तो ग्रेडिंग जो है इसका स्टेम की लेंथ के अकॉर्डिंग और डायमीटर ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर का डायमीटर है और उसका स्टॉक लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ग्रेड करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो जो आपका अबोव 60 सेंटीमीटर है यानी 55 टू अबोव वो है आपका ए ग्रेड, फिर 50 टू 50 बी ग्रेड, ऐसे ग्रेड हम स्टॉक के अकॉर्डिंग करते हैं। और जो बॉक्स में जो इसको करते हैं तो 140 और 20 सेंटीमीटर का बॉक्स रखते हैं, उसमें टू रो में जैसे यहाँ देख रहे हैं, एक साइड यहाँ पे इधर रखा है, एक साइड में दो डबल रो में इसको अरेंज करते हैं। तो एक जिसका बंच बनाते हैं 50 नंबर फ्लावर्स का बनाते हैं, तो एक बॉक्स में आपका 500 फ्लावर्स सेट हो जाते हैं सर। ठीक है, तो ये पैकेजिंग मटेरियल है इसका, कॉर्रुगेटेड बॉक्स में इसको पैक करके भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जरबेरा, इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है,